नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनवीर। मैं स्वागत करूं आप सबका टीवी क्रिएशन का नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 ECS एलएनटीटेन लीग जो LEV और LAM के अंदर होने वाला है। दोस्तों तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के टीम बनने वाले हैं और थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं मैच के लिए। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले बता दें, सारे के सारे जो ड्रीम 11 T10 लीग है दोस्तों, वो हमने जीतने वाले हैं। दोस्तों हम लोग सारे के सारे जो लीग है दोस्तों, ये जीतने वाले हैं। लेकिन और एक बात है, इसके अलावा जिस मैच को मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, वो सब के सब जो फाइनल टीम है वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन मनी। दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हो उधर फाइनल टीम लेने के लिए। दोस्तों और एक बात बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मैं जब अच्छे से अच्छे वीडियो डाल दूंगा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा वो देखना। तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन आपके वीडियो के नीचे पे है लाल कलर के, वो दबा देना। उसके साथ साथ एक घंटे आकर के ऐसे वाला बेलकन आएगा दोस्तों, उसका भी दबा देना, ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कवर हो जाएगा, उतनी जल्दी हम लोग और अच्छे से अच्छे टीम बनाने की कोशिश करूँगा। और एक टिप्स दे दूँगा फ्री में, 300 से ज़्यादा पेटीएम कैश अर्न करने के लिए। तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ISL और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कुआलालंपुर के अंदर जो मैच शुरू होने वाला है उसका वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। सारी वीडियो नहीं, फाइनल टीम मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल पे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैं आगे हूँ जो टीम्स प्लेयर लिस्ट है दोस्तों उसके अंदर। तो पहले अगर बात करें विकेट कीपर के ऑप्शन के, तो पहला नाम आता है ये भैरम भट्ट, जो कि अच्छे फॉर्म पे नहीं है, तो आप लोग इसके साथ मत ट्राई करना। ये बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार एक प्लेयर है दोस्तों, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। आप लोग इसके साथ जा सकते हो और इसके साथ जा सकते हो, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इस वक्त उतने अच्छी फॉर्म पे नहीं है। तो ये टन जो है दोस्तों, ये तो खेलने वाले नहीं है और नोलेस जो है ये भी खेलने वाले नहीं है। तो मैं अल्जर के साथ जा रहा हूँ। बैट्समैन के बारे में बात करें तो के वुड आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं होने वाला है, हंड भी आपके लिए बिल्कुल अच्छी पिक नहीं होने वाला है। ये जो जमीर है ये ग्रैंड लीग में एक थोड़ा सा अच्छा पिक होने वाला है, लेकिन उतनी अच्छे या पिक नहीं होने वाले। ब्रूक आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाले, इस वक्त थोड़ा सा अच्छा फॉर्म पे भी है दोस्तों, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात करें तो किनसेला जो है ये भी आपके लिए एक अच्छा पिक होने वाला है, आप लोग इसके साथ जा सकते हो, इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन उतनी अच्छी प्लेयर नहीं मिलेगा दोस्तों, तो इसलिए मैं किनसेला के साथ जा रहा हूँ। अगर कोई बदलाव आए तो फाइनल टीम मेरा टेलीग्राम चैनल पर जरूर पोस्ट कर दूंगा, उधर से देख लेना, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल पे। तो सुल्तान हफीज़ जो है ये भी इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म पे है दोस्तों, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जो सारे के सारे प्लेयर है बिल्कुल खेलने वाले नहीं है दोस्तों, तो आप लोग पिक मत करना। ये भी खेलने वाले नहीं है, ब्रोक भी खेलने वाले नहीं है दोस्तों, और इसके अलावा ये दोनों भी खेलने वाले नहीं है। तो ये हो गए बहुत। और ऑलराउंडर से अगर बात करें तो अब्बास जो है ये आपके लिए बहुत ही शानदार है, कैप्टन के लिए ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, तो मैं अब्बास को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद ये दोनों खेलने वाले नहीं है, जर्विस भी खेलने वाले नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर आए तो सॉरी नीचे आए तो इलियास जो है दोस्तों, ये आपके लिए कैप्टन के लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है दोस्तों, तो मैं इलियास को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टी अफरीदी भी आपके लिए बहुत ही शानदार पिक होने वाला है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो ये दोनों आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं होने वाला है। पंचल के साथ आप लोग ग्रैंड लीग में एक टीम में थोड़ा सा रिस्क के साथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्क रहेगा तो मैं पंचल को ड्रॉप करके इधर बॉलिंग पे पहला अगर बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा है कि पिक होने वाला है दोस्तों, तो मैं इसको सिलेक्ट करना होता हूँ। उसके बाद जो वुड है दोस्तों, वुड भी आपके लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर होने वाले क्योंकि इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म पे भी है दोस्तों, इसका भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात करें तो ये सारे के सारे प्लेयर बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल मत पिक करना, आप लोग हार भी सकते हो अगर पिक करोगे तो। थोड़ा सा नीचे आए तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार एक प्लेयर होने वाला है, उतनी अच्छी प्लेयर नहीं है, लेकिन ये जो सारे के सारे बॉलिंग लिस्ट है दोस्तों, इन लिस्ट में से
थोड़ा सा अच्छा ये होने वाला है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी अच्छे प्लेयर नहीं है। तो ऑलराउंडर्स में से मैं पंचल को इस वक्त सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंज आए तो मैं ज़रूर चेंज कर लूँगा। फाइनल टीम तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, तो इस टीम को मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो अल्जर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है दोस्तों, तब लोग ट्राई कर सकते हो अल्जर के साथ। जो इलियास है दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। मैं इलियास के साथ कैप्टन जाने वाला हूँ। और उसके बाद अगर बात करें तो तारिक अफरीदी आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए, तो मैं इसके साथ भी वाइस कैप्टन जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अल्जर आपके लिए थोड़ा सा ऊपर आएंगे बैटिंग करने के लिए, तो मैं अल्जर के साथ वाइस कैप्टन इस वक्त जा रहा हूं। अगर कुछ चेंज आए तो वो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा दोस्तों। अब्बास भी आपके लिए बहुत ही शानदार है कि वाइस कैप्टन का ऑप्शन होने वाला है ग्रैंड लीग में, कैप्टन भी जा सकते हो अब्बास के साथ। पंचल आपके लिए बिल्कुल अच्छे पिक नहीं होने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। वुड के साथ आप लोग वाइस कैप्टन के रूप में जा सकते हो, लेकिन उसके बाद ये दोनों प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल अच्छे पिक नहीं है। ब्रुक के साथ आप लोग रिस्क लेते हुए वाइस कैप्टन के रूप में जा सकते हो, लेकिन रिस्क तो रहेगा। तो ये हो गया बात ग्रैंड लीग की, ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल अच्छे पिक नहीं होगा। ये टीम को मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद दोस्तों देखते हैं कैसे टीम बने हैं हमारा। दोस्तों टीम बहुत ही अच्छे बने हैं, विकेट कीपर और वाइस कैप्टन जो अल्जर रहेगा, उसके बाद सुल्तान हफीज़, जे ब्रुक और क्रिंसेला जो है ये रहेगा बैट्समैन, और ये मेरा कैप्टन रहेगा इलियास। उसके बाद अफरीदी है, अब्बास है, पंचल है, ऊड है, और जो टी रुमिस त्रिवाजिक और सी रुमिस त्रिवाजिक, ये दोनों वालों बॉलर, सॉरी ये तीनों वालों बॉलर रहेगा दोस्तों। इस टीम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन इससे बाद बात करें तो ड्रीम इलेवन में आप लोग बहुत सारे रुपए हार चुके हो, तो आपके लिए फैनमोजो है कि बहुत ही शानदार वेबसाइट है, आप लोग जाके देख सकते हो दोस्तों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। और भाई का चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे रुपए विन कर रहा हूँ और आप लोगों को विन करने के लिए हेल्प करूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के बटन आपके वीडियो के नीचे पे लाल कलर के, उसके साथ साथ ऐसे घंटे करके बेल आइकन आएगा दोस्तों, उसका भी दबा देना ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत ही जल्दी से वीडियो बनाया, तो वीडियो ही ख़त्म कर देते। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मैच से पहले। थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक।